Calvario pa Moria. सो हेलो गाइस, आज डे है 1 जनवरी 2022 एंड सुबह के बज रहे हैं 7:30, मीन 7:24 बज चुके हैं अभी। तो अभी हम निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे, बस अभी आगे जाके थोड़ा फ्यूल अप कर रहा है और हम रेडी टू गो है, जा सकते हैं आगे। ये एक शॉर्ट राइड प्लान की है। हम अभी जा रहे हैं मालशेज घाट, तो हमें ये सीधा फॉलो करना है रूट टिल कल्याण बाईपास, वहाँ तक। बहुत ही अच्छा रोड है, एक काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है यहाँ पे। देखो कितना अच्छा से सनराइज हो चुका है यहाँ पे। अभी हम थाना पहुंचेंगे। थाने से थोड़ा ही दूर में अभी हम यहाँ पे रुके हैं, जस्ट मेरे भाई का एंड उसके फ्रेंड का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो थोड़ा ही पीछे है अभी, जस्ट आएंगे 5-10 मिनट्स में, तो हम अपनी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैं भी अभी 2-3 महीने बाद ऐसी राइड कर रहा हूँ, तो फिर आज मुझे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। अभी हम अर्ली मॉर्निंग निकलते ना, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक नहीं मिलता हमें। यहाँ से आगे भंडारदरा, वज्रेश्वरी, सब पिकनिक स्पॉट चालू। मीन्स ऐसा कोई भी ऐसा एक पिकनिक स्पॉट आप चूज़ कर लो और निकल पड़ो। अभी ये नए साल में जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते जाएगी ट्रैवल करने की, मैं ज़रूर ट्रैवल करते रहूँगा और आपको भी मेरे साथ घुमाते रहूँगा। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। अभी शिरडी साईं बाबा का भी दर्शन का सीज़न चालू है, बहुत सारे लोग पैदल शिरडी जाते हैं, तो यही रूट बेसिकली लोग फॉलो करते हैं। ये देखो इनकी बहुत बड़ी टीम है, ऐसे ही लोग जाते हैं, ऐसे ही बहुत मज़ा आता है यार, क्या बताओ। ये देखो साईं बाबा की पालकी, वाह, जय साईं राम, जय साईं राम। दोस्तों अभी ये आगे से है ना, जो हमें ब्रिज पे नहीं जाना है, ये कल्याण भिवंडी का बाईपास रोड से हमें निकल जाना है। ये हमें यहाँ से एग्जिट लेना होगा लेफ्ट की ओर। और यहाँ से आगे से राइट है, तो राइट जाके हमें वो दूसरा रास्ता मिलेगा। वे दाला। इला बोले लो भी जैकेट घाल। शहापूर वगैरे वाला है ना, असच हायवे आहे तुला, शहापूर पर्यंत वगैरे, जेव्हा तू इगतपुरी क्रॉस करशील तेव्हा तुला डोंगर भेटणार। हा का आता आपण कल्याण जोडले की आपला रोड मस्त आहे ना, तसं नाही। अभी हमने जो एक कल्याण बाईपास वाला रोड लिया है, वो सीधा हमें जॉइन करेगा मुरबाड़ रोड पे। हमें मुरबाड़ रोड में ही कंटिन्यू करना है,
भाई हम अभी किसी गांव में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे तो रास्तों की कंडीशन बहुत ख़राब है, हर जगह पे गड्ढे गड्ढे दिख रहे थे पीछे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे रास्ते। आई गेस अभी यहाँ से आगे हमें अच्छे रास्ते मिले। काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसी वादियों में बाइक चला रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, और रास्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे एक सिंगल खड्डा नहीं दिख रहा है अभी तक। वाओ, यहाँ से आगे मालशेज वाला जो पूरा रोड है ना, एकदम स्मूथ है, एकदम मक्खन है। तो आपको, आप जब भी आना चाहो ना यहाँ पे राइड करने, स्पेशली बाइक राइड करने, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्पेशली हर एक बाइकर यहाँ पे आता है राइड करने, तो बहुत आनंद आता है उसको। बारिश में तो पूछो ही मत भाई, ये पिकनिक स्पॉट है एक बहुत बड़ा, वाटरफॉल से बड़ा भरा होता है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारे होते हैं। अल्टीमेट। अभी ये हमारी जस्ट ब्रेकफास्ट राइड थी, आगे जाके ऐसे बहुत सारे राइड हमने प्लान किए हैं, तो हम देखेंगे, आपको भी ज्वाइन करना होगा हमारे साथ ज़रूर। आपको दिखाऊंगा हम कहाँ पे जा रहे हैं, मीन्स ऐसे बहुत सारे मैंने शेड्यूल करके रखा है दोस्तों के साथ, अकेले तो मैं कहीं पर भी निकल जाऊँ मुझे वक्त मिले तो। भाई जब थोड़ी भूख लगी तो हमने यहाँ पे सोचा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पे साई मिलन ढाबा यहाँ पे हमने तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, तो हमने ऑर्डर कर दिया, तो अभी जाते हैं देखते हैं क्या ऑर्डर। चलो अभी पेट पूजा करके हो गई हमारी, नाश्ता करके हो गया, तो अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। इतने मेहनत की सफ़र के बाद हमें आखिर में पहाड़ दिखना चालू हो चुके हैं। ये देखो अपने हमारे राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, आपको आगे जाके दिखेगी। ये रही, तो इन पहाड़ों के ऊपर हमें जाना है, तो वेट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, ये देखो मसक्कली सब मसक्कलियाँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे, आप मेरे पीछे जो देख सकते हो आपको पूरी सी बड़ी माउंटेन रेंज दिखाई देगी। यहीं से जो पूरा अपना मालशेज घाट का जो रूट है वो अपना चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो हम आगे इसी रूट से हम फॉलो करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। व्यू देखो भाई, और देखो यही व्यू के लिए हम तरस रहे थे। हाँ, ये व्यू बहुत ऊपर से बहुत अच्छा दिखने वाला है। हम अभी जस्ट नीचे हैं, अभी हम ऊपर क्लाइंब करेंगे तो यही सेम व्यू हमें ऊपर से दिखेगा। अभी ये मालशेज घाट के कर्व स्टार्ट हो चुके हैं, हमेशा अवॉइड ही करता हूँ घाट पे किसी को ओवरटेक करने को, क्यों करें, हमें तो जल्दी नहीं है, हमें तो नहीं जाना कहाँ पे, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, वक्त है हमारे पास, टाइम पे कभी मस्ती नहीं करूँ। थैंक यू।
उन्होंने हमें पास दिया और हम निकल गए। अब यहाँ पे पूरा पुलिस बंदोबस्त है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, कौन कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, विदाउट हेलमेट है। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मार्शल जा के फर्स्ट व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे एक फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर है और बहुत सारी अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से। घाट पे भी इतना रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हर जगह पे, मीन्स मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट का काम ऐसा होते रहता है यहाँ पे। कोई लैंडस्लाइडिंग वगैरह होना नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है यहाँ पे, होना भी चाहिए क्योंकि ये मेन जो रास्ता है, जो कनेक्टिविटी है, ये रोड से बनती है। ये घाट है जो बहुत सारे जगह पे जगहों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर नोटिस एंड ऑल, ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे इंडियन रोड्स पे ना ये देखने कम मिलता है, बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। बहुत जगह पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे अपना स्पीड लिमिट इतना रखना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट द वर्क। कॉशन फेलिंग रॉक, मीन्स यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, इसका भी उन्होंने ख्याल रखा है। जो कोई भी राइडर है, जो कोई भी ड्राइव कर रहा हो, तो उसे इस बात का भान रहता है कि हाँ, हमें यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है, ये सब हो सकता है। सब बंदर देखोगे जैसे लाइन से बैठे, लाइनअप है उनका, ये सब अभी खाना खा रहे। टनल, हमारे राइड का पहला टनल है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए मार्शल घाट। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा व्यूज। से बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, नहीं तो ठीक नहीं था। सो अभी मार्शल घाट का तो हमने नज़ारा देख लिया, तो अभी हम निकल पड़े एक नई डेस्टिनेशन की ओर। मीन्स यहाँ पे एक छोटा डैम है, वो डैम को देखने हम जा रहे हैं। तो मेरे अभी लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप, ये पूरा MTDC है, MTDC एरिया है। ये खीरेश्वर की तरफ यहाँ पे है, हम निकल रहे हैं। यहाँ पे पूरा डैम का वाटर है, देख सकते हो आप। सो ब्यूटीफुल।
ऐसे नज़ारे हमारे बम्बई में या कहाँ पे भी और बहुत कम जगह देखने मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आओ, अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और मेमोरीज लेके जाओ। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिंपलगांव डैम के यहाँ पे। आप पीछे मेरे देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी दिख रहा होगा। गाइस, अभी हम निकल रहे हैं अपने वापसी की ओर। जितना समय हमें आने को लगा उतना ही समय या उससे शायद कम लग जाए। हमारा दोपहर का लंच अभी स्किप हो चुका है, पहाड़ी इलाके को चटपटा खाना।